साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाली। अरे मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ क्या लॉजिक है। कभी कोई बोलता तुम लखनऊ वाली साउंड करती हो, कभी पंजाबी साउंड करती हो, मेरे में सभी एक्सेंट है थोड़े थोड़े। भाया 20 रुपीज के मोमोस से भाया। भाया ओके क्या भाई, आप इतने दिनों से आए नहीं, क्या हो गया? मैं थोड़े अपने वर्क का, थोड़ा मेरा पर्सनल लाइफ में भी एक प्रॉब्लम चल रहा था, है वैसे भी चल ही रहा है, और साथ ही साथ मेरा जो काम है वो उसमें भी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा हूँ आजकल, तो समय ही नहीं मिल पाता सोशल मीडिया का आजकल। चलो अच्छा है, दूरी रहो तो अच्छा है, यहाँ पे बहुत गंदगी मचती है। अरे भैया ट्विटर, ट्विटर तो छोड़ के ही जाओ, मेरे को लगता है कभी कभी ट्विटर में बहुत टॉक्सिसिटी है भाई, देख लिया मैंने। अर्जुन भाई आपका क्या कहना है इस पे? हाँ जी, वो तो लग ही रहा है। वैसे आप इतने दिन तो थे ही नहीं ऑनलाइन। वही बताया ना भाई, मेरा थोड़ा काम वाम चल रहा है और थोड़ा सा मैं चीजों को लेके परेशान भी था, तो वही चीजों में व्यस्त था चीजों को ठीक करने में। अब तो सब सही है ना? नहीं यार नहीं, ठीक तो नहीं है, बट चल रहा है, लाइफ गोज ऑन भाई। आपके लाइफ में कितनी भी चीजें आए, लाइफ गोज ऑन। बाकी ट्विटर, वो भी ट्विटर बात सही। देखो लाइफ में अलग स्ट्रेस, पर ट्विटर में लोग अलग स्ट्रेस देते हैं भाई, अलग ही चीजें यहाँ देख के ही ना लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, पर उसके बाद काम का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस भाई, इतना स्ट्रेस क्यों चाहिए जिंदगी में? नहीं भाई मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग को अच्छी जिंदगी जीनी है ना, सोशल मीडिया को छोड़ दो कुछ दिन के लिए। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा, मिला बढ़िया, फिर काम वाम पे बिजी रहा भाई, क्या फीलिंग था यार, मतलब जिंदगी में कुछ मिसिंग है मेरे, क्या मिसिंग है? तब मेरे को पता चला कि मैं जो रूम में रहता हूँ अपने, साला ये रूम खाता है मेरे को। कभी तुम लोग को होता है क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग ये सब होता है, एंजाइटी ओवर थिंकिंग ये सब करते हो तुम लोग? सबकी सबकी नहीं, चलती ये तो फिरती दुकान है। बस ये सब ना, तुमको पता है ये सब ना मोबाइल पीसी, ये जो तो अपन दिन भर जो सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं ना, एंजाइटी ओवर थिंकिंग डिप्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। थोड़ा सा लाइफ में ना निकलो, लोगों से मिलो, बात करो, थोड़ा फ्रेश रह लो। ओ भाई मैं वो रनिंग करने जाता हूँ अभी सुबह, फिर आके सो जाता हूँ क्योंकि रात भर तो जागता हूँ ना। सीरीज वीरीज देखो जितना भाई, तुम मतलब बाहर लोगों के साथ इंगेज करोगे, बातचीत करोगे, तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं देखता हूँ तुम लोग सोशल मीडिया में बहुत टाइम वो लेते हो यार, अरे भाई अब तो कम ही कर दिया, सिर्फ रात को आते हैं थोड़ा सा देखने माहौल। हाँ जी, झूठ बात कर रही है केकल भाई, इसकी बात पे विश्वास ना करो। हाय केकल भैया, तेरी बात तो हेलो। बड़ी अच्छी होती है ना, अच्छा विश्वास अभी बात करने करती हूँ, लायक। रुके जा सर, मुझे बात कर लेने दे। आप वैसे थोड़े दिन आए नहीं तो मैं बोली ठीक है, मिस किया आपको हम लोग ने, बट फिर मैं बोली ठीक है थोड़ा सोशल मीडिया डिटॉक्स मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा। आप लिटरली हम लोग सब आपके कमेंट सेक्शन में ही थे, बट ठीक है ना। तो फिर क्या सर आपका ब्रेक अच्छा लगा भाई आपको, ये मैं तो ब्रेक अभी भी लेके ब्रेक में हूँ, मैं तो अभी ऐसे ही चिल मारने आ गया। ब्रेक क्या होता है, चिल मारने आ गए? नहीं मैं बस चीजों ये को चिल यूज होती करना है। थोड़ा कम कर दिया। नहीं मतलब ये सोशल मीडिया का थोड़ा सा चूल होते हैं ना, कि अगर नहीं चेक किया तो भी ऐसा लगता है बेटा नहीं हो क्या रहा है वहां पे, है ना। क्या छोटे बच्चे ने तेरी तरह जो उनको चूलोगी चुप कर जा। अच्छा सॉरी, लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, सॉरी सॉरी, मैं सही क्या है, लैंग्वेज मैं बात जो अभी करती हूँ। काम में फंसा हुआ था ना, एक तो काम भी चल रहा है हमारा, साइट में वर्क भी चल रहा था ना, तो वो बहुत दूर था, तो वहाँ ड्राइव करके आके मेरे को बहुत टाइम हो जाता, तो मैं थक जाता था, तो फिर वही थका तो फिर आराम कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ा खाना वाना खा के दोस्तों के साथ मिल लिए, रात में नींद आ गया। अब थोड़ा ज्यादा तुम शरीर चलाओगे ना तो तुम जल्दी से सो ही जाते हो भाई, ये फिर लेट नाइट जगना वाला नहीं होता। बट अपना साथ में अपन भाला भी रखे ना साथ में भाई, अपन यूट्यूब भी करना है, अपना शौक है तो यूट्यूब का भी अपन करते थे काम, तो अभी एक वीडियो पे काम किया हूँ मैं 2 दिन, कल आ जाएगी, आ जाने वाली थी बट कल आएगी। कोई हनी सिंह का कमबैक पे हमने वीडियो बनाया गाइज, क्या आप हनी सिंह के गाने सुने हो?
अरे क्या बचपन हमारा गुजरा है, अभी भी गुजरता है। पूछोगे ना हम सबको, नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अडल्ट हूँ, बड़ी वाली अडल्ट। छोटी छोटी बच्ची है केकल भैया, इसके बाद विश्वास बच्चा बोल रहा है बड़ी है ये बच्ची है। वाह 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 जी, हिपोक्रेसी की भी ना सीमा होती है केकल भैया। हम दोनों एक एक साल आगे पीछे है, ये मुझसे एक साल बड़ी है, मैं तो एक साल छोटी हूँ। आपको पता नहीं क्या, 22 बुड्ढी लड़की है ये, बुड्ढी 22 की। तो मैं फिर क्या हुआ, मैं मतलब फिर क्या हुआ मैं? नहीं देख रहे हो ना केकेल भाई, इनडायरेक्टली आपको टॉन्ट मारी। क्या बुड्ढू ये लड़की की बात मैं अपना। अरे केकेल भाई मैं सच बोल रही हूँ यार, ये ना बहुत चालू फिल्म है, कुछ भी ना बोलना होता है इनडायरेक्टली बोल जाती है। ठीक है केकेल मैं समझ गया। हाँ तो वो तो भड़क ही जाएंगे ना, मैं तो है ही इतने वो कि मेरे बातों से भड़क जाएगी। अच्छा चल अब तू वो बंद कर, हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे, किस पे आ गए थे? मैं तो ऐसी बहुत दिन बाद हनी सिंह की बात कर रहे थे हम लोग। बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हमको कल का सिलेबस याद नहीं रहता, बट हनी सिंह के 10 साल पुराने गाने के सारे लिरिक्स याद रहते हैं, वो तो हमारे ओजी है। नया वाला गाना भी कितना क्रेजी आया है और बहुत अच्छा है, इट इज सो एडिक्टिव। मैं फर्स्ट लिसन सुनी आई वाज लाइक ठीक है, फिर मैं सेकंड सुनी आई वाज एडिक्टेड, फिर थर्ड फोर्थ मैं तो सुनते ही जा रहा हूं। बताओ आजकल की लड़कियों के एक्सेंट को क्या हो गया है, मुंह ठीक करो, गला करो थोड़ा, गला करो। क्यों पान थूक के बात कर लाइशा, पान थूक के बोल, तेरा एक्सेंट अजीब है, तू खुद अजीब है। ऐसा मतलब देखो अजीब नहीं बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बनावटी लग रहा है। नहीं आपने मुझे अजीब बोल दिया। अरे लड़कियों बोला मैं। हाँ ठीक है मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ भैया। भाई देखो ना लड़के लोग ना रिक्वेस्ट नहीं भेजते भाई अर्जुन भाई, फिर मेरे को कहते हैं कि ना केकेल भाई सिर्फ लड़कियों को लेता है स्पेस में, बताओ मैं क्या बोलूँ। ये तो बात गलत है, सबसे पहला रिक्वेस्ट तो मेरा ही एक्सेप्ट हुआ। मैं देख के लेता हूँ लोगों को भाई, केकेल भगवान है ऐसे अनफेयर गेम नहीं खेलते। केकेल भगवान है ऐसे अनफेयर गेम नहीं खेलते भाई। लड़के आते हैं ऐसे ऐसे आईडी से आते हैं भाई कि मेरे उनको देने का मन भी नहीं करता भाई माइक। सच बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ना आईडी देख के देता हूँ माइक भाई। सो कोई भाई आया है थोड़ा अच्छे से बात करने के लिए, आओ थोड़ा बात करते हैं। अरमान आया मेरा भाई, अरमान आओ, अरमान भाई, अरमान भाई। अरे केकेल भैया अरमान को शिपिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, और कोई काम धंधा नहीं है, अरमान को शिपिंग करवा लो भाई ट्विटर। अरे पर केकेल भैया ये बार की शिप और अच्छी है, सबसे बेस्ट है, अरमान के मुंह से ही सुन लीजिए अरमान। हाँ इस बार तो ओजी शिप बढ़िया हुई है। केकेल भाई कैसे हो आप पहले ये बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो ये बताओ। अरमान भाई आपके डिप्रेसिंग ट्वीट्स देख के मैं और ट्विटर बंद कर दिया था, छोड़ो। नहीं भाई यार पता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो गया था यार, मतलब बहुत ही टारगेट किया जा रहा था, फिर मैंने बोला इंडिविजुअली सपोर्ट करूंगा, नहीं रहना भाई। पांडा गैंग है क्या, तुम लोग एक चीज समझो, पांडा गैंग है क्या? नहीं भाई पांडा गैंग कोई फैंडम नहीं है मेरे भाई, पांडा गैंग अभिषेक का जो है ना वो फैंस जो गुच्छा है या ग्रुप है उसको बोलते हैं। अगर तू अभिषेक का फैन है तो वो एक पांडा गैंग का आदमी है, अगर प्रिया फैन है तो वो भी पांडा गैंग की आदमी लड़की है, तो वही बात है। तो कोई फैंडम है ही नहीं, देख फैंडम उनका बनता है जो क्या बताऊं मैं, जो पहले से फेमस नहीं होते, समझ रहा है? हमारे भाई लोग तो पहले से ही नामी लोग है ना, फुकरा भाई को ले लो या एल्विश भाई को ले लो या निश्चय भाई को ले लो, थागेश भाई को ले लो, किसी को भी ले लो, सब तो पहले से ही फेमस है। और किसी का नाम लेना भूल गया तो माफ करना भाई, नहीं तो छोटी छोटी बात कंट्रोवर्सी बनाते हो तुम लोग, नींद नहीं आएगा मेरे को रात में। जब केकेएल भाई की जब जब स्पेस होती है तब तब कंट्रोवर्सी होती है। नहीं भाई मैं स्पेस ही एंड कर दूंगा इस बार, कोई कंट्रोवर्सी नहीं साला मेरे को। अरे भैया केकेएल भैया, अरे अभी तो शिप का दूसरा पार्ट आया है भैया। अरे चुप कर जा यार, इसका शिप ही नहीं खत्म होता केकेएल भैया, ट्रोलिंग। और सुनो तो मैं बताती हूँ, शिप ओजी शिप है अरमान का, सुनो उससे पहले ना ये कंट्रोवर्सी वाली जो चीजें होती है ना अब वो बंद कर दिया करो तो ही अच्छा, नहीं तो सब ना
मटका जो होता है घड़ा आप ही पर फूटता है लास्ट में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रिया की ये बात तो आप सुन तो लीजिए। किसी को बोलता ही नहीं भाई कुछ, बात ये होती है ना, बोलता कोई और है फंस में जाता, साले मैं क्या बोल दिया, मेरे स्पेस में एक जन बंदे ने कुछ बोल दिया, अब दूसरे फैंडम वाले मेरे को टैग कर रहे हैं, शर्म कर लो वो केएल भाई करके। अरे मैं थोड़ी ना बोला हूँ भाई, मैं तो छोड़ो भाई छोड़ो अरे बोला मैं। वो वाला वीडियो देखे अरे यार, मैंने आप रुको आपके ऊपर एक वीडियो रुको बनाया अभिया वालों ने। अरमान एक मिनट रुको। हेलो केकेल भैया कैसे हो आप, फिर मुंह ठीक होपफुली कर आप अपना, कुछ भी गला ठीक कर, मुंह ठीक कर, हाँ मुंह ठीक कर थोड़ा, हाँ अच्छे से आवाज हो गई। हेलो हेलो केकेल भैया कैसे हो आप भाया नहीं और होता, आपके जो भैया भी होता है, भाया नहीं होता हमारा नमस्कार केकेल भैया कैसे हो आप, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भाई। होपफुली सब ठीक हो गए या होंगे। ये मत कर, ये मत कर भाई, या ऐसा कर, नहीं होता है छोड़ो। कोशिश करो सबसे होगा भाई। हेलो केकेएल सर हाउ आर यू। नहीं, हम हिंदी हिंदी प्रेमी भाई, नहीं हिंदी ओनली बोल भैया। हेलो भैया हाँ ठीक है, गुड गुड, नाइस ट्राई। नहीं प्रिया भाया बोलो, नहीं बोल भाया दे अरमान को बोलो भाई, भाया मेरे को भाया वाया नहीं सुनता रहा वो, भैया अरमान तो शिपन चला रहा ना, वो थोड़ी भाया एग्जैक्टली सुनेगा। वो थोड़ी माया सुनेगा, मेरी कहीं शिपन से चल बिंग रहा है नहीं यहाँ चल रही पे। केकेआर भाई, कहीं से बिंग नहीं चल रही, इन लोग अपना अफवाह उड़ा रहे हैं कि सब जगह में शिपिंग चल रही है। जब भी अरे अभी कहीं सब नहीं वाले यार, के स्पेस में जाता हूँ ना, तब तक पांडा गैंग शिपिंग वालों ने लेकर आता हूँ, बनाया, तब तब शिपिंग पांडा गैंग लेकर। वाले ही बनाए, पांडा गैंग वाले नहीं बनाए, एक उनको तो सेकंड, इनवाइट उस दिन तो रुक मस्ती जाओ चल रही यार, थी, उस एक दिन तो मिनट मस्ती चल रही थी। अरमान अरे तुम्हें कितना मार्केट कैसे लग बदतमीज गया? है भैया, ये तो कितना बदतमीज लड़का है, पांडा गैंग वाले इसके दोस्तों ने इसकी शिप बनाई और हम पे बोल रहे कि अभिषा वाले शिप बना रहे, एग्जैक्टली नहीं बदतमीज यार, कितना पता है उस दिन बदतमीज मस्ती लड़का चल है। रही थी, उस दिन मस्ती चल रही थी यार, तुम लोग कुछ भी बनाते हो। चलो मस्ती तो मैं मस्ती बताओ, हनी बनाया, सिंह का नया गाना मस्ती सुना, तो कुल्ले मस्ती कुल्ले पांडा फ्लो, गैंग ने क्या बना। किसका? केकेर कुल्ले भाई? कुल्ले सुना हनी सिंह का नया गाना कुल्ले कुल्ले? हाँ मैंने हाँ सुना, भाई मस्त है, मस्त है भाई, मैंने सुना। मजा आ गया भाई वो गाना सुन के, क्या चिल गाना है भाई लिटरली, आ हा, पहले वो वाली वाइब इसका आ रही थी, पहले वाली वाइब आ रही थी हनी सिंह बैक इन द फील्ड। भाई। हनी सिंह कभी गायब ही नहीं हुआ था, बस तुम लोगों ने ना कमबैक बोल दिया। हनी सिंह जब हाँ से वापस आए हैं तब से उन्होंने हिट हिट गाने ही दिए, चाहे मखना ले लो या वाली गाना कौन सा है, कुड़ी कहंदी निगाह मारदा वो वाला गाना ले लो, दिल चोरी हो गया, बहुत सारे गाने उसने हिट हिट दिए हैं भाई। लेजेंड्स को कमबैक की जरूरत नहीं पड़ती भाई, वैसे कमबैक की जरूरत तो मुझे है भाई। अरे आप भी तो लेजेंड में आते हो, चलो तो टेंशन मत लो। बट सही बात आपने बोले, हनी सिंह को कमबैक की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने फर्स्ट मतलब ब्रेक के बाद फर्स्ट गाना वो किया था ना दिल चोरी साडा हो गया, वो तो हाइपर हाइपर हिट, एकदम लेजेंड आइकॉनिक हिट गया था वो, उनके सारे गाने ही हिट जाते हैं। आज ये वाले गाने का वाइब अलग है, पर थोड़ा इट्स वेरी चिल, अच्छा है ना, आई लाइक इट। यस। और मंदीप भाई तुम्हारे भी ट्वीट देख रहा हूँ मैं, बहुत अरे तुम्हें अरे पैसे एक कमा रहे सेकंड, हैं। आर्या आई है, आर्या को ऊपर ले लो क्योंकि मंदीप भैया जी। लड़की है भैया, इधर रुक जाओ, देख रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट में, मैं क्या पीछे स्क्रीन में था ना कुछ। हाँ भाई फियरलेस आर्या, फेरी आ रही है, मेरे को लगा फेरलेस आ रही है। मेरी बहन है फियर, नहीं फियर ही आ रहा, अच्छा हाँ फियर ही आ रहा। बताओ भाई अरमान क्या चल रहा है लाइफ में, तुम क्या कर रहे हो अभी, किस किसके साथ क्या शिप कर रहे हो बताओ। भाई कुछ नहीं चल रहा यार इधर, आप अपने आप मतलब ना तुम चाहते लोग हुए बोल दो पहुंचा और रहा फिर है। मैं बोल दूंगी। नहीं यार ये प्रिया बताए कि बताएगी, प्रिया इस... तू बता, प्रिया सिंह तुम बताओ, प्रिया सिंह ये पता है भैया इनका बहुत जगह शिप चल रहा है फिर और से पता बोल नहीं किधर किधर भैया, फिर से बोल भैया। सॉरी पता है इनका बहुत जगह शिप चल रहा है, हर जगह जाते हैं, जिस स्पेस में जाते हैं उधर ये शिप करके आ जाता है। अब इनका रीसेंट शिप है आरती, आप आरती किए थे कि नहीं, गणेश चौथ ना किए ना थे ना ना। ना 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 वो सब ये छोड़ो झूठ बोल ना, रही के भैया, इस झूठ स्पेस बोल में रही रहते है, हैं, आरती अचानक से तो पुराना है। भाई इतने सारे लिसनर्स कहाँ से आ गए भाई? के भैया भैया ये ना झूठ बोल रही है, आरती तो पुराना शिप हो गया है, अभी मेन तो तो नया कुछ क्या है, और है। नया क्या है? कैसे भोले बन रहे भाई ये लोग इतने भोले हैं कि बन रहे हैं, मुझे अरे बताओ। रिडल आई रियली वांट टू नो नया क्या है, है फिर ना मैं कुछ मिस कर रही हूँ आर्या? क्या?
प्रिया तो उस दिन वहीं बैठी थी यार, तुम दोनों गाड़ी चाबी उसी ने नीचे में रखी थी वहां पर, आरुषि दी थी उस दिन, तो मस्ती चल रही थी यार, मस्ती चल रही थी लोग को अलग ही। भाई इस बार तो मैं ब्लू टिक नहीं, भाई मैं इस बार ब्लू टिक नहीं लूंगा, मेरे को भूल मत जाना है, ये ब्लू टिक का कोई फायदा नहीं है साला, फालतू का 1000 रुपए लेते हैं। मैं लूंगा इस बार, पता है क्या भाई, मैं अरमान भाई करोड़पति बनेंगे ब्लू टिक लेके। मैं भाई 1000 रुपए का किसी को खाना खिला दूंगा भाई, कुछ अच्छा अच्छा काम कर लूंगा। नीचे अभिषेक भाई आए, कौन अभिषेक भाई? अरे यार अभिषेक मलान, ओ भाई तुम सबको भेजना पड़ेगा मेरे को। नहीं 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 जगल भाई, अभिषेक भैया बैठूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज केकल भैया। अभी सोचो पाजी आए तभी इतने लोग आ गए। हेलो पाजी, मैं जा रहा था और आप आ गए। अभिषेक का ऐसा साइड में बटन दबाओ, हाँ चले गए, चलो बढ़िया है। नहीं नहीं है, लिसनर पे दिख रहे हैं, लिसनर पे दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरे हाथ ठंड हो गए, मेरा दिल धक धक हो रहा है। चले गए, अरे यार मेरा दिल निकल के बाहर आ गया, व्हाट द हेल, कांप रही हूं, ओ माय गॉड, मेरा दिल निकल जाएगा बाहर। शांत हो जाओ तुम लोग, ऐसे वो ऐसा करोगे ना, देखो तुम लोग को शांत होने इसलिए बोलते हो, क्या है थोड़ा सा ना ऐसा माहौल हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा रुकते, पाजी को बोलने देते क्या बोलने आए हैं वो, फिर उसके बाद तुम लोग बात कर लेते हैं जी। बट ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू भैया। हम तो चुपचाप बैठे थे, वो तो आया ही नहीं। आईफोन 15 प्रो मैक्स आया है, प्रो ही दिलवा दोगे तो थोड़ा सा कृपा रहेगा, समझ रहे हो पाजी, अब बुक कर लियो, सुनाई आया मेरे को 4 पीस बुक किए आप। केकल भाई मैं बोलूं क्या, प्लीज मेरा अभी भी हाथ कांप रहा है, मैं क्या करूं, हाथ कांप रहा है, मेरा फोन कांप रहा है, सब मेरा मेरी ठंडे हो गए हाथ, आई डोंट नो व्हाई। हां कितना अच्छा मौका था ये बात करने का। भाई पाजी से बात करने के लिए लोगों को लाखों खर्चे करने पड़ते हैं आजकल। और वैसे मेरा माइक पहली बार एक्सेप्ट हुआ वो आए, और भाई बात ऐसा हो जाता है ना कि उनके मैनेजर फिर मेरे को बोलेंगे यार के तू हमारी नौकरी खा ले यार, एक काम कर, मैं तो सबको फॉलो बैक दे रहे हैं यार, मतलब भले ही गलती से दे रहे हैं कि अभी से एक भाई पर दे रहे हैं लोगों को। और बताओ दोस्तों कैसा रिएक्शन था जब पाजी को आप लोग नीचे लिस्नर में देखे, फुकरा भाई को भाई बस हो गया था कि बस ऊपर माइक पे आ गया, मुझे गोलियां छान वाला हुआ था मेरे साथ, तो मेरे साथ निश्चय भैया वाला हुआ था, जैसे निश्चय भैया आए थे अचानक से, वैसे मुझे लगा कि वाह आज तो अभिषेक भी आ गए, बस अभिषेक भाई से बची थी इस बार। मेरा तो अभी तक दिल इतना जोर से धड़क रहा लग रहा निकल जाएगा बाहर, मेरे हाथ ठंडे हो गए सडनली, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब मैंने बात नहीं भी करूं तो मुझे चलता था, बस मुझे उसकी आवाज सुनी, केकेएल भाई से मैंने बोला अभिषेक भाई आए, केकेएल भाई बोलते कौन अभिषेक भाई। नहीं यार बहुत सारे अभिषेक भाई हो गए ना आजकल, ज्ञानी भाई का नाम भी अभिषेक है, बताओ केकेएल भाई नीचे आ जा बैठा, उसको माइक दे दीजिए, नयन भी आया है, नयन भाई यार तुम मिस कर दिए यार, अभिषेक भाई आया था यार, तुमको हमेशा मौका है, तुम फॉलो करके रखे फिर भी यार, क्या यार नयन भाई यार क्या गुंडा बनोगे तुम। और बताओ शिव गायत्री तुम्हारा कैसा रिएक्शन था पाजी को देख के? हेलो गायत्री नहीं बोल सकती, प्रिया तेरा क्या रिएक्शन था? अरे मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को वैसे नहीं, आपको याद है वो ट्रिगर्ड इंसान वाला जैसे हुआ था कि अपन लोग बात करते और ट्रिगर्ड भैया ऐसे आए थे, और मुझे वही सेम चीज मेरे दिमाग में से घूम गई कि हाँ ठीक है फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगी और फिर मैं ट्वीट करूंगी, वाओ मजा आएगा। इजी व्यू, इजी नहीं इजी, फेमस भाई बड़े लोग भाई अपना न्यू ही है फेक पेंडो मालो, अपना ऐसा ही है, समझ रहे हो, लोग बोलते हैं ना यार क्या दोस्ती, अभिषेक तो मैसेज भी नहीं देखता होगा केकेएल का, अरे यार अरे यार
ऐसी थोड़ी ना 5-6 साल पुरानी दोस्ती है। हाँ भाई ड्रीम्स भाई, बट भैया एक बात बोलूं, हमको हमारी दोस्ती किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया वालों का काम है बोलना हमारी दोस्ती। अभी मैं और प्रिया तो 2 महीने पहले ही दोस्त बने, बट हमारी वैसी दोस्ती मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पे नहीं बनी किसी की भी। तो आपको किसी को अपनी दोस्ती प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, समझे तो समझे, बाकी उनकी मर्जी। यार लड़के लोग रिक्वेस्ट नहीं भेजते, फिर मेरे को बोलते हैं भैया आप लड़कों को माइक नहीं देते। मेरे को तो लड़कियां ही लड़कियां दिख रही भाई, रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रहा मेरे को, बताओ। अच्छा भाई रिक्वेस्ट कर तू। यानी इतने सारे ना वॉचर्स जो बड़े थे ना स्पेस में, वो फुकरा भाई को देख के ही आते, मेरे को पता नहीं नीचे बैठे चुपचाप वो कुछ समय तक बात दिखे हैं। मेरा तो दिल धड़कना नहीं रुक रहा, मेरे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आनी है आज कंफर्म। ले लिया ना ऐसा स्क्रीनशॉट लगा देना कि हम स्पेस में थे भाई। यार किसी ने लिया तो प्लीज मुझे भेज देना, मेरा तो दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अर्जुन भैया, आपको बहुत दुआ मिलेगी अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हाँ मैंने लिया, मैं ट्वीट करने वाला ही था। मेरा हार्ट अभी बीट होना रुक ही नहीं रहा। ठीक है ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो भैया, आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको। अरे इनाया भी आई है। हेलो केकल भैया। यार केकल भैया मैं तो हाय बोलने आ रही थी और यहाँ पे आके क्या सुन रही हूँ मैं, और कुछ बोलने से माइक भी ऑन नहीं हो रहा। यार फुकरा भाई आए थे ना अभी थोड़ी देर पहले यार। क्या यार गायत्री तू मिस कर दी रहे सैड जानता है, मिस करने से क्या होता है, पैर उतना ही रहेगा। वैसे वो स्पीकर में नहीं है, वो लिसनर में थे, सुने। मैं भी स्पीकर दिया तो वो फिर चले गए। इन लोग को बोला थोड़ा सा ना शांत रहो, साइड मत आओ, अनकंफर्टेबल लगता है गाइस। अरे फैंस है केकल भैया। यार केकल भैया मैं समझ रहा हूँ, बट भैया केकल भैया डिस्कॉर्ड की बात कर लो ना प्लीज। पाजी का थोड़ा सा ना वीडियोस यूट्यूब्स का काम चल रहा है, वो एकदम अच्छे से फ्री हो ना तब कराऊं सोच रहा हूँ मैं। अरे केकल भैया मैं फैन फेस्ट में जा तो रहा हूँ, मिलने मौका मिलेगा नहीं पता नहीं। भाई तू जा रहा है ना फैन फेस्ट में, यूट्यूब वाले संबंध करवाते हैं, थोड़ा बस ना ट्राई करना कि ना जब ना फैन मीट होता है ना फैन पिट होता है, सारे फैन सारे ना क्रिएटर वॉक करते हैं उसमें। हाँ, मुझे पता है, मैं जाता हूँ उसके आस पास रहना, बोलना निश्चय फुकरा भाई कोई भी देखेंगे तो मैं केकल भाई का दोस्त हूँ करके फोटो जा तुरंत फोटो हो जाएगा, वो बता रहा हूँ। बस नाम ले, नाम काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे में से कोई भी जाएगा और बोलेगा मैं केकल भैया का दोस्त हूँ। ए नहीं ए, ये स्कीम बस इसके लिए अमित के लिए ऐसे बोलना है। नहीं नहीं फिर मैं तेरे को स्कीम बताऊंगा डीएम में, एक तो कोड वर्ड दूंगा वो बोलेगा पहचान जाएंगे। हाँ कोड वर्ड बताएगा दिल मांगे मोद। अब तो सबने सुन लिया दिल मांगे मोर। अरे तो अरे मतलब वो एग्जांपल दे रहा है ना, ऐसे में सच्ची में थोड़ी दिल मांगे मोर बताने वाले। अरे मजा करियो, लड़का कौन है, किसकी फोटो लगाया अर्जुन भाई? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। उसको कोरोना क्यों हो गया बट अर्जुन काय रे अर्जुन का पाइजे तुला। अरे यार केकल भैया आप भूल गए मुझको। अरे मैं जानता हूँ, बट तू डीपी किसकी लगाया भाई? पिंटरेस्ट उठाइए अपनी लगा लूं क्या, आप बताओ मुझे। नहीं बस कोई अरे लोगों को उल्लू बना रहा है तू, यहाँ पे सच कह रहा। और अर्जुन मुझे बता तेरी डीपी को कोरोना क्यों हुआ है? माइक लगाने का फैशन है गायत्री आजकल, मैं भी माइक लगा, माइक बोल रहा हूँ मैं, मास्क लगाने का। यार केकल भाई आप क्या करते हो यार, एक बार बताया करो ना। केकल भाई आपके हैंडसम शक्ल मत छुपा है, लड़कियां ऐसे ही उदास हो जाएगी। ओए तो मेरा बेचारा देखो कैसे खुल के दिख रहा है। हाँ सर पे हाथ है बट ठीक है यार, है नहीं?
यार के केकल भाई मैं हमेशा रॉन्ग टाइम पे आती हूँ यार, इसे नीचे से भी बात नहीं हुई। वो बात करने नहीं आए, वो बस देखे और रिक्वेस्ट भेजे माइक में आए, ये थोड़ा सा ना हड़बड़ा गए सारे सारे, फिर वो चले गए। केकल भैया बट आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा है, यही रहने दो। बस प्रोफाइल मेरा से प्रोफाइल पिक्चर ही अच्छा और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं केकल भैया आप सारे के सारे अच्छे हो। Exactly, ऐसा मत बोलो। अच्छा है आपका, आपका लाइव स्ट्रीम भी अच्छा लगता है हमको, आपका लाइव वीडियो भी अच्छा लगता है, आपकी फोटोज भी अच्छी लगती है। लाइव स्ट्रीम के तो जमाना हो गया, लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा, कल फ्री हूं क्या मैं? ट्विटर खोल देते यार, बाद में सब दिखता, फिर वो लोग स्पैम करने लग जाते। क्या करो ना केकल भैया, लाइव स्ट्रीम में ना मतलब ट्विटर खोल दो, हम लोग आ जाएंगे ट्विटर पे और दिखा देना यार ये लोग है। हम YouTube पे फेमस। 17 जल्दी चालू हो जाए। हेलो हेलो केकल भैया। कौन है बे, ये किसका आवाज आ रहा है? मेरे को भूल गया, आरुषि को भूल गया। हेलो आरुषि, कैसे हो? ये भैया अच्छे से बोली पर समझे। मतलब आपने एक हफ्ते के अंदर स्पेस नहीं बनाई तो आप मुझे भूल जाओगे, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, आवाज अभी थोड़ा अच्छा हो गया तुम्हारा, लग रहा है अच्छा माइक लिए हो लग रहा है। हां भाई देखो, सीखो इसको भैया कैसे बोलते हैं, सीखो प्रिया, प्रिया सिंह, लाइसा, सीखो केकेल भैया, केकेल भैया, केकेल भैया। भैया नहीं सुनना है, केको भैया ऐसा नहीं। भैया भैया 20 रुपीस का मोमोस देना। अरे प्रिया, मैं तो आपसे बोलूंगी केकेल दादा, प्रिया क्राइंग इन द कॉर्नर। भैया मैं तो आपको आपसे बोलूंगी केकेल दादा। नहीं भैया, भैया मैंने ना अच्छा, मैंने ना बुशरा से सीखा है, ये बुशरा बोलती है ऐसे, जिया वाली। आरुषि दी अपने चार्ज कर लिया। हाँ यार मैं चार्जिंग में लगा है। बुशरा जिया जी की फैन। दीपी भाई भी तो है, दीपी भाई भी तो है। केकेल भैया ये में बहुत कुछ था। 100% 100% ये थप्पड़ क्यों मार दिए मुझे भाई? फैन तो मैं भी हूँ भाई, ठीक है भाई, फैन फैन भाई, फैन बिग फैन। अरे फैन मूवमेंट हुआ था ना जब वो आपके ट्वीट को रिप्लाई कर रही थी भाई, तो एक नहीं तीन चार। अब अपनी के तारीफ करूं मैं तो सवाल भाई, रोला है भाई अपना, रोला अपना नयान भाई को भी तो मिलते रहता है रिप्लाई। हाँ ना, हम कोई गरीब लोग को ही नहीं मिलता। अरे यार मैं ना ऐसे ही ना इंस्टाग्राम खोला, मैं देखा यार 30-40 माइक मेरे केकल भैया थप्पड़ पड़ रहे हैं मुझको। कौन मार रहा थप्पड़ तेरे को? प्रिया बुशरा दी और प्रिया दी दोनों को मैक दे दो। कैसे तू स्लॉट फुल हो गया, रुक जा। अरे कोर्स दे दो ना भैया, अरमान को किसी को कोर्स दे दो, आपके बगल में कोर्स देता हूं। ये अरमान को दे दो ना, अरमान को, अरमान के अरमानों में पानी फेरता हूं मैं, भी लेता हूं कोर्स। आज से सारी लड़की अरमान की बहन है भाई। भैया ऑलरेडी भाभी है हमारे पास, तो लड़कियां बहने बन गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं, दूसरा को एक लड़की को छोड़ के बाकी सब लड़कियां अरमान की। अरे नहीं केकेल भैया, दो तीन शिफ्ट चल रहा है इसके, दो तीन बट एक ओजी है, बाकी सब ऐसे ऐसे। एक तो दिल के करीब है प्रीमन। हाँ भाई गाइस कुछ भी बनाने पड़े यार, मतलब हद है। अरे भाभी से मिला है नहीं तो बेचारी प्रिया को बुला ले यार, वो उसका आज नीचे ही बैठी है। इनवाइट अच्छा। दो मिनट यार, टिल्लू का भाभी को बुला रहा है। मेरे को निश्चय का बचपन का फोटो देखा हूं, एकदम वैसी लगता है टिल्लू का फोटो है ना? So cute. मुझे तो थोड़ा अभिषेक जैसा लगता है, मुझे पर ना टिल्लू उसकी मम्मी के जैसा लगता है बहुत।
वैसे तीनों हाँ। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, पापा जैसा भी लगता है थोड़ा थोड़ा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो अभिषेक भाई, प्रेरणा दी और निश्चय का जो फेस कट है ना, तीनों का एक ही जैसा है। सेम है, बहुत सिमिलर है, तीनों का फेस बहुत सिमिलर। बट ना केकल भाई, अगर आप उनके डैडी का फेस देखोगे ना तो डैडी का फेस और तीनों बच्चे लोग का फेस बहुत सिमिलर, पर प्रेरणा दी का फेस थोड़ा मम्मी के जैसा भी है। मतलब माँ बाप का ही फेस आएगा, वो बात तो है, बट फेस कट है ना डैडी के जैसा है उनका। अंकल का और अभिषेक का थोड़ा ज्यादा सिमिलर है। हेलो केकेआर भैया, कौन है? मंदीप। मैंने आवाज कहाँ से आ रही है? भैया की आवाज क्या हो गया? नहीं ये अरे मंदीप भैया। मंदीप तुम्हारी मम्मी से ले गई क्या फिर से? बोल कैसे ले गई भैया? जब आपने ई लफड़ा पे रिएक्ट किया था ना, तब से मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ। जो रचित भैया और भिक्षु भैया के बीच में था, उस पे रिएक्ट किया ना तब से। हाँ निश्चय रिएक्ट कर रहा था रचित पे, रचित पे और उस पे रिएक्ट कर रहा था मैं। और फिर आप उस पे, और फिर रचित मेरे पे रिएक्ट कर रहा है, जिसपे निश्चय रिएक्ट कर रहा है, जो रचित पे वीडियो बनाया है, जो एंट्रू ने बनाया है, तो समझ रहे हो? हाँ, वो मेरा फेवरेट था। इट्स अ क्रोनोलॉजी थिंग जो चल रहा था। हम एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे थे एक साइकिल में। समझ रहे हो? निश्चय रिएक्टिंग टू रचित्रो, केकेएल रिएक्टिंग टू निश्चय, रिएक्टिंग टू रचित्रो, रचित्रो रिएक्टिंग टू निश्चय, रिएक्टिंग टू केकेएल, रिएक्टिंग टू रचित्रो। समझ रहे हो? ऐसा निश्चय मेरे पे भी रिएक्ट कर रहा है फिर बाद में। क्या ही सीन हुआ था भाई वो। केकेएल भैया निशांत भैया को माइक दे दो ना। कहाँ है? He don't want to come. वो नहीं आएगा। ऑफिस में होगा ना। निशांत से तो बात होते रहती है मेरी कॉल पे। निशांत ही मेरे को कॉल कर रहा था, मैं फोन भी नहीं, थोड़ा बिजी था तो फोन भी नहीं उठा, तो फिर निशांत से बात हुई मेरी। अब बिजी लोग हो? अरे बिजी नहीं यार, थोड़ा काम पे फंसा हुआ था यार, थोड़ा साइड में काम चल रहा है हमारे, मेरा बहुत लंबा, मेरे को रोज 20-25 किलोमीटर जाओ, फिर और आगे जाओ, सामान लाओ, फिर आना जाना, पूरा मेरा शाम तक वही बिजी हो जाता था। घर का काम चल रहा है क्या? नहीं नहीं, मतलब अपना है, मतलब अपने, मतलब ठेकेदारी बोलते है, क्या बोलते है तुम्हारे, क्या बोलते है तुम्हारे तरफ ठेकेदार जो घर का पूरा वो बनाते है, कॉन्ट्रैक्टर? हाँ तो वही है मेरे ताऊ लोग, तो मैं चल देता हूँ कभी कभी, फैमिली बिजनेस है तो चल देता हूँ मैं कभी कभी, मेरा मन नहीं करता यार मेरे को, मतलब खुद का कुछ करने का, मतलब किए भी हैं अपन, बहुत कमाए यार यूट्यूब से, सच बोलूंगा मैं बहुत कमाया हूँ यूट्यूब से, और जब से डाउनफॉल आया ना तब से मेरे को जाना पड़ता है फैमिली वर्क में, क्योंकि फिर बोलते हैं चल चल, क्योंकि यूट्यूब से अभी उतनी इनकम नहीं आती ना, तो वहीं चले जाता हूँ, बट जल्दी आ रहा है यार। बप्पा से मैं बोला हूँ, बप्पा बस एक बार कमबैक करवा दो, मेरा निराश नहीं करूंगा। हो जाएगा गणपति बप्पा से, मैं भी प्रे करूंगी आपका हो जाएगा गणपति। अभिषेक भाई को एक मैसेज दे देना, अगर वो मुंबई आ देना तो उनको बोलना लालबाग जरूर जाने के लिए। हाँ मैं उनको बोल दूंगा। हाँ, भाई वो तो तीसरी चौथी आईडी से सुन रहे होंगे तुम लोग, समझ नहीं रहे हो, समझ भैया। अरे नहीं नहीं, उनको बोलना लालबाग जरूर जाने, क्योंकि वहाँ की मन्नत सब पूरी होती है। लालबाग जाने के लिए उनको है ना पहले अच्छा प्रिपरेशन कर लो, बोलो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है, बहुत बहुत ज्यादा भीड़ आती है हर जगह से। केकेएल भाई एक और चीज पहुंचा दीजिएगा अभिषेक भाई के पास, के अरमान जैसे छोटे हैंडल को भी रिप्लाई दे दिया। भाई छोटे हैंडल आरुषिक को भी मैं हूँ भाई, मेरे को रिप्लाई नहीं आता, तुमको क्या पर्सनल कॉल आते हैं, केकेएल भैया को रिप्लाई चाहिए। रुक जाना केकेएल भैया, हेलो केकेएल भैया, केकेएल भैया, केकेएल भैया थैंक यू आपके स्पेस को, अभिषेक आ गया, मेरा तो फैन मोमेंट हो गया, थैंक यू, नींद अच्छी आई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई। अरे पढ़ाई लिखाई दिन भर करके आया केकेएल भैया, अभी तो अभी मजे है, अभी रात को अच्छी नींद आई। यार केकेएल भैया एक बार प्रॉपरली बुलाओ ना प्लीज, करवाता हूँ भैया। उस दिन आपको मेरी
मतलब बहुत दुआ लगेगी अगर आप मुझे उस दिन स्पीकर दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस माँ उसकी मेरे को बात सुनिए एंड थैंक यू सो सो पढ़ाई लिखाई कर लो जी, वो भी कर लूंगी मैं, वो भी कर लूंगी अगर मेरी तो शादी करवा देंगे। अबे देखो फैन बनो बट इतना भी क्रेजी मत करो रे, समझ रहे हो? अरे आप समझ, अरे केकिल भैया वो फैन कैसा जो क्रेजी ना हो, क्रेजी ना हो। अरे मैं समझ रहा हूँ बट देखो केकिल भाई लिमिट हमको पता है कि कौन सी लिमिट कितना करना है, बट ये थोड़ा सा तो दिल का मतलब ऐसा चीखना चिल्लाना तो आएगा ही ना थोड़ा सा बस। हेलो अरमान भाई, हेलो अरमान भाई, लाइसा जी आप रांची में रहती हो क्या? नहीं मैं मुंबई रहती हूँ भाई। रांची वाले जितने भी हैं कॉन्सर्ट होने वाला है तो थोड़ा सा टिकट जल्दी ले लो। अरे सोल्ड आउट हो गया निकल भाई, मैंने कुछ दिन देखा था सोल्ड आउट हो गया शायद, एक मिनट में टिकट का बंदोबस्त आएगा। हाँ रांची से भी एक है, एक ही बंदा हमारा। मेरे को सुनने दो केकल भाई, मेरे से कांटेक्ट है एक तो रांची वाले का, वो बोला है वहां से पूरा बनाएगा वीडियो वो भेज। मैं कुछ बोल रहा हूँ पहले सुन लो मेरी बात ठीक है। अभी अगर टिकट खत्म हो गए हैं तो और अभी आएंगे टिकट्स, तो जो रांची से है खरीद लेना, और अभी तीन चार शहरों का नाम आया है ठीक है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, समय आने पे आपको पता चल जाएगा, बट बहुत खुशी होगी आप लोगों को भाई, जाओ मिलो बढ़िया ग्रीट। अगर मुंबई है तो मैं तो जाने वाला हूँ, मुंबई है तो मैं तो है ना, मैं तो कुछ भी करके जा रही हूँ मुंबई है, मैं तो वीआईपी वाला वो जो ड्रेसिंग वाला होता है ना वो लूंगा मैं टिकट। चलो ठीक है गाइस, मेरे को ड्राइव करना है, मेरा दोस्त तो तीन बार कॉल कर दिया मेरे को। ओके ओके बाय बाय, अगले महीने गुड नाइट।